देखो बेटा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ईएन इज इक्वल टू हमारा था एनर्जी इन एरथ ऑर्बिट, एनर्जी क्या थी, ईएन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ईएन क्या था, एनर्थ ऑर्बिट की एनर्जी थी, जेड क्या है एटॉमिक नंबर होगा, एन क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट की तो एन बराबर वन, एन बराबर वन का मतलब होता है बेटा ग्राउंड स्टेट, क्या मतलब होता है इसका ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी, ई वन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू हमने वन रख दी। ठीक है, अगर आपसे बात करें हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, किसकी बात करें, एन इज इक्वल टू वन, इसका मतलब होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें। तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे बेटा, पर क्या रखो, ई टू रख दो, ई टू इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर इंटू वन अपॉन टू स्क्वायर। तो आप सिंपल वर्ड से बोल सकते हो कि ई एन इज इक्वल टू क्या होगा, ई एन इज इक्वल टू होगा बेटा ई वन अपॉन एन स्क्वायर, ई वन अपॉन एन स्क्वायर। अच्छा, ई वन इज इक्वल टू क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर, क्या होता है -13.6 जेड स्क्वायर। और हाँ, एनर्जी किसमें आती है आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, और अगर हमें जूल में ले जानी है तो क्या बोलते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होते हैं। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, इसको पहले करेंगे। तो क्वेश्चन लिखो जरा, सबसे पहले एग्जांपल है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ Li+2 आयन इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट, Li+2 आयन के दूसरे बोहर ऑर्बिट में क्या निकालनी है हमको, उसकी एनर्जी निकालनी है बेटा, क्या निकालनी है उसकी, उसकी एनर्जी निकालनी है, उसकी एनर्जी निकालनी है, क्या होगा, E2 इज इक्वल टू -13.6, जेड की वैल्यू क्या होगी इसकी, लिथियम की 9 अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 4 हो जाएगा, कितना आएगा बेटा यहां से -3.4 × 9 -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, कितनी आएगी, माइनस का 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अब देखो इसके आगे हम लोग बात करेंगे, इसमें इसमें कुछ एनर्जीज हैं, जैसे आयनेशन एनर्जी होगी, ठीक है, अदर एनर्जी होती है उनकी बात करेंगे। देखो सबसे पहले एडिंग डाल बेटा, इसमें सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, देखो इसके पहले मैं एक आपको ऑर्बिट बना दूं, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे बहुत सारे हैं। ये ग्राउंड स्टेट हो गई, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट से जंप करता है किसी भी बोहर ऑर्बिट में तो क्या चेंज आएगा, देखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहली बात आती है आयोनाइजेशन एनर्जी की, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है, और आगे इनफाइनाइट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग लिखेंगे क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी, मतलब कहां से कहां, ग्राउंड स्टेट एन बराबर वन से कहां जा रहा है बेटा, एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जा रहा है, एन बराबर वन से कहां जा रहा है, एन बराबर इनफाइनाइट, मतलब अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पे ले जाना हो तो जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू होगा फाइनल माइनस इनिशियल, ई इनफाइनाइट माइनस ई वन। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू बोल सकते हैं इनफाइनाइट की वैल्यू तो जीरो होगी, इज इक्वल टू माइनस टाइम ई वन। ठीक है, किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज या हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकाल लो, वही उसकी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है ना, और हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें होती है, पॉजिटिव में आती है, ये माइनस जरूर लिखा है लेकिन जब ईवन निकालोगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम के लिए, तो आप देखो फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को मुझे मूव कराना हो तो क्या होगा, फॉर हाइड्रोजन एटम ईवन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, कितना आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इंफाइनाइट तक ले जाने के लिए हमको कितनी एनर्जी चाहिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई आयनाइजेशन एनर्जी की। अगली हम लोग बात करेंगे सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, क्या मतलब सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी भी पॉजिटिव होती है। इसका मतलब होता है अगर हमको किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट तक ले जाना हो, देखो यहां पे क्या था, ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट ले जाना था, अब हमको कहां से कहां तक ले जाना है, एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट तक। तो ठीक है, हमें कहां से कहां जाना है, एक्साइटेड स्टेट किसी एन बराबर एन से कहां जाना है, एन बराबर इनफाइनाइट तक जाना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया है, सॉरी इनफाइनाइट में गया है, तो मान लो n बराबर 2 से कहां गया बेटा, n बराबर इंफिनिटी पे गया, या आप बोल सकते हैं n बराबर n से n बराबर इंफिनिटी पे गया है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, अच्छा n बराबर n प्लस 1 होगा, सॉरी ये ठीक है, कैपिटल इसको एक काम करो स्मॉल n इसको कैपिटल n कर लो, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। अगर यहां पर n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी में आ जाएगा। ठीक है, तो सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू होगा E ऑफ इनफाइनाइट माइनस E ऑफ n प्लस 1। E ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होगी, अच्छा एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब किसमें आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, तो सेपरेशन एनर्जी इक्वल टू आएगा माइनस का E n प्लस 1, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, अब हम इसके सॉल्व करेंगे, तो मान लिया हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से जा रहा है इनफाइनाइट पे, और किसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो, इसका मतलब इसका जेड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर एनआई प्लस 2 की बात होती जेड 3 हो जाता, हीलियम प्लस की बात होती तो जेड 2 हो जाता। ठीक है, अब देखो इसकी सेपरेशन एनर्जी निकालनी होती, काम करो इसकी एनर्जी निकाल लो, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है एन बराबर 2, तो एन इक्वल टू यहां 1 रखो, एन इक्वल टू 1 रखो, 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ई टू इज इक्वल टू कितना आएगा, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, कितना आएगा, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी सेपरेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, इसकी सेपरेशन एनर्जी आएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी, जहां तक नोट करो जल्दी से। अब हम लोग बात करेंगे एक्साइटेशन एनर्जी की, किसकी बात करेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी की, इसको आप नोट करो जल्दी से। पहले एक्साइटेशन एनर्जी की बात करेंगे, देखो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। अगर हमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाना हो, तो जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है एक्साइटेशन एनर्जी। तो ठीक है, अगर मान ली इलेक्ट्रॉन हमारा n से कहां जा रहा है भाई, n प्लस 1 में जा रहा है। ठीक है, n बराबर 1 होगा तो 1 से 2 में जाएगा, 2 होगा 2 से 3 में जाएगा। ठीक है, अब यहां n बराबर 1 ही होगा, ग्राउंड स्टेट से कहां जाना है, एक्साइटेड स्टेट में जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब है n बराबर 1 से किसी अदर n में जाना है, तो क्या बोल सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, ई एन माइनस ई वन। ठीक है, ई एन माइनस ई वन, ई वन क्या है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, ई एन क्या है, किसी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है। इतनी बात आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इस पे क्वेश्चन लिखेंगे, देखो बेटा क्वेश्चन लिखो, एक अच्छा क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मैं आपको लिख देता हूं, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -e इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट
कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो दोनों हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब इसका जेड क्या है, फिक्स है। इसका जेड क्या है, फिक्स है। तो अगर जेड की वैल्यू इन्होंने फिक्स कर दी तो अब क्या होगा, देखो जरा। आपको पता है E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या होगा, Z1 अपॉन Z2 का स्क्वायर इंटू N2 अपॉन N1 का स्क्वायर। आपको E1 दिया है माइनस का E, आपसे E2 कोई दूसरा पूछा है, E2 मतलब E3 उन्होंने पूछा है, थर्ड की बात की है उन्होंने, तो थर्ड कर दो यहां पे। Z1 Z3 सेम है, ठीक है, और N3 अपॉन N1 कितना है, 3 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो यहां से E3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का E/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। कितनी आएगी, माइनस का E/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा यहां से आंसर। इतना आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो आगे देखते हैं इसमें, अब हम लोग बात करेंगे। एक बात बताओ यार, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, अब मैं आपको डिटेल में एक चीज आपको बताता हूं, इस पे बेस क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, एनर्जी गैप पे क्वेश्चन आता है कभी कभी। देखो बेसिक सी चीजें शायद बता चुका हूं, ये हमारा न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट होंगे। तो ये n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर 1 से n बराबर 2 में जाता है, ठीक है, देखो आप न्यूक्लियस के बहुत पास हो, आपका फॉर्मूला होता है एनर्जी का बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है En इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब होता है जो एनर्जी होती है इन्वर्सली होती है नंबर ऑफ ऑर्बिट के, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे तो एनर्जी उसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अगर मान लिया हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है, E2 - E1। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा 1 से 2 में गया, फिर 2 से 3 में गया E3 - E2, फिर 3 से 4 में गया E4 - E3। तो जरा बताओ एनर्जी का जो डिफरेंस है किसमें ज्यादा होगा, जितना न्यूक्लियस के पास होंगे, जितना ऑर्बिट पास में होगा, जितनी एन की वैल्यू कम होगी उतनी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो E2 - E1 > E3 - E2 > E4 - E3 होगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्या है, क्लियर है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन जो होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग इस पे बात करेंगे, जरा लिखो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। अब हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी, कि जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, किसी भी nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी से कर रहा है उसकी बात। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो nth ऑर्बिट की जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो होती है न्यू, n की वैल्यू होती है 6.56 × 10^15 जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब पर सेकेंड, इंपॉर्टेंट है। एम्स में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। इसका मतलब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है nth ऑर्बिट की वो इन्वर्सली किसके है, एन क्यूब, बोहर ऑर्बिट के क्यूब के इन्वर्सली होती है, और न्यू एन जो होता है डायरेक्टली होता है एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी, न्यू एन इन्वर्सली होता है एन क्यूब अपॉन और डायरेक्टली होता है जेड स्क्वायर के। तो अगर हम बात करें एक N1 ऑर्बिट दूसरे N2 ऑर्बिट की बात करें, तो न्यू N1 अपॉन न्यू N2 इज इक्वल टू आप बोल सकते हो Z1 अपॉन Z2 का होल स्क्वायर इनटू N2 अपॉन N1 का क्यूब इनटू N2 अपॉन N1 का क्यूब। ये होता है अगर आपको दो बोहर ऑर्बिट दिए हैं और दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन स्पेसिस दी हुई हैं, तो आप उनकी फ्रीक्वेंसी में कंपेयर का रेशियो क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इस पे बेस एग्जांपल लेता हूं मैं, इसको आप नोट कर चुके हैं, देखो
देखो सबसे पहले क्या है, मान लिया आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li+2 एंड सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ Helium+। थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li+2 एंड सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ Helium+। तो ठीक है भाई, तो आप इसको Li+2 को 1 लेट कर लो, इसको 2 लेट कर लो, तो Ni1 / Ni2 इज इक्वल टू हो जाएगा Z1 / Z2। लिथियम का जेड होता है 3 / इसका होता है 2 स्क्वायर इनटू N2 / N1, N2 इसको 2 है / 3 का क्यूब, कितना हो जाएगा 9/4 8/9 8/27।